तो हेलो गाइस यार, फाइनली मैंने अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 30 गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को ऐड कर लिया है। नहीं मैं मानता। आप लोग यहां पे देख पा रहे हो, मैंने अपने गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को ले लिया है। एंड गाइस, साथ में मैंने अपने गेम के अंदर न्यू माइकल हाउस को भी ले लिया है। तो गाइस, आप लोग अपने गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को कैसे ले सकते हो एंड गाइस माइकल वाले हाउस को कैसे ले सकते हो, वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। मैं आपको माइकल कैरेक्टर की लिंक इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, जिससे आप लोग भी अपने गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को लेने वाले हो। तो सबसे पहले तो आप लोग इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 30 गेम को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद आपके गेम के अंदर भी माइकल कैरेक्टर आने वाला है। और माइकल कैरेक्टर को आप लोग कैसे लेने वाले हो वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप लोग अपने गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को नहीं ले पाओगे। बात तो सही है। एंड गाइस, इस हाउस को आपको कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले गाइस, आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस यार, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 30 गेम का एंड गाइस जो सेकंड वाला ऐप है, प्लगइन ऐप, तो उसको भी आप लोग अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आपके गेम के अंदर भी यहां पे माइकल कैरेक्टर आने वाला है, स्केलेटन कैरेक्टर भी आने वाला है। एंड साथ में गाइस, न्यू अपडेट के अंदर कैमल भी ऐड हो चुका है, जिसका चीट कोड है 20। तो आप लोग इसको भी कैसे ले पाओगे वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो गाइस, माइकल कैरेक्टर को आपको कैसे लेना है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस, माइकल कैरेक्टर को ऐड करने के लिए मैंने अपने पुराने वाला फ्रैंकलिन कैरेक्टर को ले लिया है। और अब मैं आपको बताने वाला हूं आप लोग अपने गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को कैसे ऐड करने वाले हो। तो गाइस, माइकल कैरेक्टर को ऐड करने के लिए मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मैंने लिंक दे दिया है माइकल कैरेक्टर का, उसको आपको कॉपी कर लेना है। अगर आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं कर रखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको दे दूंगा, वहां पे मुझे फॉलो कर लेना और उस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी माइकल कैरेक्टर की लिंक, उसको आपको कॉपी कर लेना है। तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक को आपको कॉपी कर लेना है, जो कि माइकल कैरेक्टर की है। तो वहां पर लिखा हुआ है माइकल कैरेक्टर, उसके नीचे जस्ट नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, उस ब्लू कलर की लिंक को आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको गेम के अंदर आ जाना है और ये जो गेम के अंदर आप लोग मोबाइल देख पा रहे हो, यहां पर आपको मिल जाएगा एक इंटरनेट का ऑप्शन। इस एंड में जो इंटरनेट वाला ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहां पे आपको एक पेस्ट का ऑप्शन है, उस माइकल वाले लिंक को इसके ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, समझ गया। जैसे ही आप लोग पेस्ट कर दोगे, फाइल टू लोडेड लिखाएगा, तो आपको यहाँ पे वेट करना है कुछ टाइम। वेट करने के बाद यहाँ पे 5 मिनट स्टार्ट हो जाएगी, तो आपको 5 मिनट वेट कर लेना है। एंड उसके आगे आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आप लोग बाद में माइकल कैरेक्टर को नहीं ले पाओगे, तो वीडियो को स्किप मत करना। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस, आपके गेम के अंदर फाइल यहाँ पे लोडेड हो जाएगी, 5 मिनट आपको वेट करना है। मेरे गेम के अंदर ऑलरेडी लोडेड है, तो इसलिए यहाँ पे 5 मिनट नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको बैक करना है और ये जो इंटरनेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, सॉरी आरजीएस टूल का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद माइकल कैरेक्टर को लेने के लिए यहाँ पे आपको लिखना है प्लेयर मोड 2, यानी PM2 आपको डायल कर देना है। और उसके बाद ओके पे क्लिक करके नीचे आपको डन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइड में लिखा है आरजीएस टूल प्लेयर मोड 2, तो गाइस ये सिंपल से लिखा आ जाएगा, इसका मतलब आपके गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर अभी ऐड हो चुका है। अभी आपको एक बार गेम को बैक करके दोबारा से स्टार्ट कर लेना है, गेम को एक बार बैक करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है। जैसे ही आप लोग गेम को बैक करके दोबारा स्टार्ट करने वाले हो, तो आपके गेम के अंदर आ जाएगा माइकल कैरेक्टर। आप लोग देख पा रहे हो मेरे गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर आ चुका है, और जो कि काफी ज्यादा मस्त लग रहा है। तो गाइस, रोहित गेमिंग स्टूडियो ने अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 30 गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को ऐड कर दिया। आप लोग अपने गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को ले सकते हो। तो गाइस, इस तरीके से आप लोग अपने गेम के अंदर माइकल कैरेक्टर को ले सकते हो। एंड अपने गेम के अंदर स्केलेटन कैरेक्टर भी आ चुका है, जो कि आपको कंकाल देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग कंकाल को कैसे ले सकते हो उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आपको एंड में यहाँ पे एंड स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख लेना। प्लगइन एप्लीकेशन के ऊपर जाना होगा, वहां से आपको स्केलेटन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। स्केलेटन को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सेम जो इंटरनेट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है और एक बार गेम को बैक करके दोबारा आना है। और यहाँ पे जो आरजीएस टूल है, यहाँ पे आपको लिखना है
PM2। जैसे आप लोग PM2 लिखोगे आपके गेम के अंदर स्केलेटन करेक्टर आ जाएगा। गेम को एक बार बैक करके दोबारा से रिस्टार्ट कर देना। बाद में आप लोग कमेंट में बोलोगे हमारे गेम के अंदर स्केलेटन या फिर माइकल करेक्टर नहीं आया। एंड गाइज आपको पहले की एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे अपने गेम के अंदर जो नया यहाँ पे एनिमल एड हो चुका है वो है कैमल, तो कैमल का चीट कोड है 20। अगर आपको कैमल का जो लिंक है वो प्लगइन ऐप के ऊपर मिल जाएगा, वहां से आपको इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद सेम इस तरीके से आपको इंटरनेट वाले ऑप्शन पे पेस्ट कर देना। और ध्यान में रखना गाइस, आपको अपने मोबाइल का इंटरनेट ऑन रखना है। जैसे आप लोग माइकल करेक्टर को लो या फिर स्केलेटन को लो या फिर कोई सा भी एनिमल को लो, आपको इंटरनेट को ऑन रखना है। उसके बाद आपको इंटरनेट पे आके पेस्ट करना है उस वाली लिंक को। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। जब मैं आपको बता देता हूँ आप लोग अपने गेम के अंदर माइकल हाउस को कैसे ऐड करने वाले हो, माइकल करेक्टर को तो ऐड कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता देता हूँ आप लोग अपने गेम के अंदर माइकल हाउस को कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइस माइकल हाउस का जो बनाने का क्रेडिट है वो जाता है कृष्णा गेमिंग को। कृष्णा गेमिंग ने माइकल हाउस अपने गेम के अंदर ऐड कर लिया है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कृष्णा गेमिंग ने जो माइकल हाउस अपने गेम के अंदर बनाया है वो आपको अपने गेम के अंदर कैसे ऐड करना है। बनाया तो कृष्णा गेमिंग ने है, बट आपको अपने गेम के अंदर कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस मेरे व्हाट्सएप चैनल पे उस हाउस का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल पे कैसे जाना है वो मैंने आपको बता ही रखा है। एक बार फिर से बता दूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है। उस लिंक पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे मेरे व्हाट्सएप चैनल पर चले जाओगे और वहाँ पर आपको माइकल करेक्टर का लिंक मिलेगा और माइकल हाउस का भी लिंक मिलेगा। उस लिंक को आपको कॉपी कर देना है और कॉपी करने के बाद ये सेम आपको यहाँ पे करना है। जैसे आप लोग वो लिंक कॉपी कर लो उसके बाद इंटरनेट वाले ऑप्शन पे आना है और लिंक आपको पेस्ट यहाँ पे कर देनी है। पेस्ट का ऑप्शन है और यहाँ पे 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद, जैसे 5 मिनट कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको दूसरी लिंक लगानी है। पहले आप जैसे कि मान लो आपने माइकल की लगा दी, उसके बाद 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद दूसरा ऑप्शन आ जाएगा पेस्ट का, तो दूसरी लिंक उसके बाद आपको लगानी है। जैसे कि आप माइकल हाउस का लगाना चाहो, उसके बाद आपको क्या करना है गेम को बैक कर देना। और बैक करने के बाद आपको मैं लोकेशन भी बता देता हूँ कौन सी लोकेशन पर माइकल हाउस आपको देखने को मिलने वाला है। एंड गाइस उससे पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मुझे पता है, तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो यहाँ पे कर लीजिए। और जिन भाई लोगों ने कर दिया उनको थैंक यू सो मच। अपना नाम कमेंट में जरूर से बता देना, यहाँ पे कौन कौन भाई मेरी वीडियो देख रहा है, आपका नाम क्या है कमेंट में जरूर से बता देना। एंड माइकल करेक्टर लेने में कोई भी आपकी गेम के अंदर दिक्कत आ रही है तो मुझे आप लोग कॉमेंट कर सकते हो इस वीडियो में, मैं आपको जरूर से उसके ऊपर सोल्यूशन वीडियो लेके आऊंगा। आप लोग अपने गेम के अंदर कैसे ले सकते हो वो मैं आपको 100% बताऊंगा। आप लोग यहाँ पे जो है गेम को अपडेट जरूर से कर देना। अगर आपने गेम को अपडेट नहीं किया उससे पहले के गेम के अंदर कोई भी करेक्टर वगैरह नहीं आएगा, तो गेम को अपडेट जरूर से कर देना। और गाइस कंट्रैक्शन एरिया के पीछे जैसे ही आप लोग आओगे तो आपको यहाँ पे माइकल का हाउस देखने को मिल जाएगा और एक माइकल सिटी भी देखने को मिल जाएगी। और इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है कृष्णा गेमिंग को। तो कृष्णा गेमिंग ने इस माइकल हाउस को डिजाइन किया। एंड गाइस अपने गेम के अंदर देख पा रहे हो माइकल हाउस आ चुका है, एंड गाइस माइकल भी आ चुका है। एंड गाइस अभी आप लोग कॉमेंट में बताओ और कौन सा आप लोग करेक्टर ऐड करवाना चाह रहे हो, क्योंकि अपने गेम के अंदर स्केलेटन करेक्टर आ चुका है, माइकल आ चुका है, अभी एक नया करेक्टर भी आने वाला है। तो आप लोग बताना कौन सा करेक्टर आप लोग ऐड करवाना चाह रहे हो। GTA 5 का माइकल आ चुका है एंड स्केलेटन आ चुका है। एंड गाइस यहाँ पे देखो माइकल हाउस के जैसे आप लोग जस्ट पीछे आओगे आपको टेनिस कोर्ट देखने को मिल जाएगा, तो टेनिस कोर्ट मुझे काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे पीछे आपको एक स्विमिंग पूल वगैरह एरिया देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे स्विमिंग पूल यहाँ पे बना दिया है भाई ने, बहुत ही प्यारा यहाँ पे डिजाइन किया है माइकल हाउस को। जैसे ही माइकल हाउस GTA 5 के अंदर है वैसा ही है। और गाइज आप लोग बताना क्या फ्री फायर करेक्टर भी अपने गेम के अंदर ऐड होना चाहिए। फ्री फायर के अंदर जैसे कि रेड क्रिमिनल है, गेम के अंदर बहुत सारे करेक्टर ऐड हो सकते हैं। जैसे कि आप लोग कॉमेंट करते हो रेड क्रिमिनल, मैंने आपको बताया फ्री फायर के अंदर, और भी फ्री फायर के अंदर बहुत सारे करेक्टर है तो बता देना उनमें से होना चाहिए। या फिर भाई हल्क वगैरह अपने गेम के अंदर, आयरन मैन वगैरह ऐड होना चाहिए वो भी आप लोग बता देना। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर से बता देना। और गाइज इन दिनों मेरे पास काफी कम टाइम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो डाल रहा हूं, तो आपको यार फुल क्वालिटी नहीं दे पा रहा हूं। वीडियो में क्वालिटी में तो कोई कमी नहीं है, वैसे मैं यार वॉइस रिकॉर्डिंग जल्दी जल्दी कर रहता हूं, इतनी एडिटिंग वेडिटिंग नहीं करता हूं, तो इसलिए दिल से सॉरी चाहूंगा। एंड गाइज बहुत ही जल्द मैं फ्री हो जाऊँ, उसके बाद वैसे ही आपको मजेदार मजेदार वीडियो देने की कोशिश करूंगा। आप लोग इस वीडियो में फुल प्यार सपोर्ट दिखाना, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय मेरे प्यारे दोस्तों, लव यू टाटा बाय बाय।